हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपसे बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ हिंदी डबड और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। I will clean this city। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे बड़ी खबर ये है कि कैप्टन अमेरिका 4 मूवी की अनाउंसमेंट हो गई है। जी हाँ, उस मूवी की अनाउंसमेंट हो गई है जिसकी उम्मीद लगभग हर किसी ने छोड़ दी थी, क्योंकि जब एंड गेम में स्टीव रोजर ने कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी फैल्कन को दी और एक नई सीरीज की अनाउंसमेंट हुई थी तो लगभग सभी ने मान लिया था कि अब कैप्टन अमेरिका 4 हमें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका 4 मूवी आ रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका के रोल में कौन नजर आएगा। अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन रूमर की माने तो यहाँ फैल्कन ही कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आएगा। लेकिन हम अभी भी ये उम्मीद लगा सकते हैं कि स्टीव रोजर का कैरेक्टर भी हमें इस फिल्म में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर एमसीयू में वापस आ रहा है। हालांकि ये नहीं बताया गया था कि किस मूवी या फिर सीरीज में। तो अब जब कैप्टन अमेरिका 4 मूवी की अनाउंसमेंट हो गई है तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि शायद इस फिल्म में हमें स्टीव रोजर भी देखने को मिले। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे इस साल के कॉमिकॉन में फिल्म से जुड़े और अपडेट आ सकते हैं, जैसे कि फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा, इस फिल्म में हमें और कौन कौन से करेक्टर देखने को मिलेंगे, फिल्म की रिलीज डेट वगैरह वगैरह। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप कितना एक्साइटेड हैं कैप्टन अमेरिका 4 मूवी के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि विजय अपनी अपकमिंग फिल्म थलापाटी 65 की शूटिंग के लिए जॉर्जिया गए हुए हैं। तो जॉर्जिया में अब फिल्म की शूटिंग खत्म होने वाली है और बहुत ही जल्द अब इस फिल्म की शूटिंग यहां अपने देश के कुछ अलग अलग शहरों में होगी, जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई। तो देखते हैं कि यहां पर फिल्म की शूटिंग कब तक स्टार्ट होती है। मच अवेटेड सीरीज ओजार्क सीजन 4 और पीक ब्लाइंडर सीजन 6 का अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये इंतजार थोड़ा और लंबा चलेगा, क्योंकि खबर है कि ये दोनों सीरीज के अगले सीजन इस साल नहीं आएंगे, बल्कि दोनों ही सीजन के नेक्स्ट पार्ट हमें अगले साल ही देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही रिलीज डेट कन्फर्म होती है हम आपको अपडेट कर देंगे। अगले खबर की बात करें तो रूमर है कि दोस्ताना 2 में अब कार्तिक आर्यन की जगह राजकुमार राव को कास्ट किया जाएगा। राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है और बहुत ही जल्द इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है। वैसे मानना पड़ेगा यार, बॉलीवुड में भी कुछ भी होते रहता है, क्योंकि खबरों की माने तो कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की 60% शूटिंग कंप्लीट कर ली थी, इसके बावजूद भी मेकर्स ने उन्हें फिल्म से हटा दिया। सोचो इससे फिल्म को कितना लॉस हुआ होगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या राजकुमार राव इस फिल्म के लिए हाँ बोलते हैं या फिर नहीं। विजय सेतुपति की एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। फिल्म का नाम है विदु थलाई, जिसे जाने माने डायरेक्टर वेत्रीमारन डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, विजय सेतुपति की अपकमिंग फिल्म वेत्रीमारन के साथ होगी। अब वेत्रीमारन डायरेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कि फिल्म में जबरदस्त थ्रिल देखने को मिलेगा, क्योंकि वेत्रीमारन की लगभग सभी फिल्मों में थ्रिल होता ही होता है। विदु थलाई के इस पोस्टर में विजय सेतुपति का आधा चेहरा ही दिखाया गया है, जहां वो काफी गुस्से में चाय पी रहे हैं, वहीं उनके हाथों में हथकड़ी है। फिल्म का पोस्टर काफी जबरदस्त है, तो देखते हैं कि फिल्म कैसी जाती है। वैसे वेत्रीमारन का डायरेक्शन और विजय सेतुपति की एक्टिंग कोई शक ही नहीं है। अजित कुमार की मच अवेटेड फिल्म वली माई का फर्स्ट लुक पोस्टर अजित कुमार के जन्मदिन यानी कि 1 मई को आने वाला था, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से अब 1 मई को वली माई का फर्स्ट लुक पोस्टर नहीं आएगा। नई तारीख अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही नई रिलीज डेट आती है हम आपको सोशल मीडिया पर अपडेट कर देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दो बड़ी फिल्मों के ट्रेलर आए हैं। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे का ट्रेलर तो आप सबने देख ही लिया होगा। वैसे कैसा लगा आपको ट्रेलर? सच में मतलब कि आपको कितना अच्छा लगा और कितना एवरेज है, मुझसे पूछें तो एक हद तक ठीक ठाक है, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में कुछ नयापन नहीं है। देखा जाए तो आप इसे वांटेड का सिक्वल भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर की बहुत सारी बातें वांटेड फिल्म से मैच करती है। तो आप हमें बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। वहीं मच अवेटेड फिल्म द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। ये ट्रेलर काफी अलग है, यहाँ मैं बाकी कंजरिंग फिल्मों की बात कर रहा हूँ,
तो उस हिसाब से ये ट्रेलर काफी अच्छा है। तो दोनों फिल्मों के ट्रेलर आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।